देश में लोकसभा चुनाव के दो चरण बीत चुके हैं। तीसरे फेज की वोटिंग भी अगले कुछ दिनों में होनी है, लेकिन इसी बीच इंडिया गठबंधन के घटक दलों में से एक सीपीआई ने एक रिपोर्ट जारी करके सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल इस बार इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी होने के बाद भी केरल में सीपीआई ने चुनाव लड़ा था और 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था, जिसके बाद अब सीपीआई ने पिछले फेज में केरल में हुई वोटिंग की समीक्षा की है और एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद सीपीआई की इस रिपोर्ट ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खेमों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल सीपीआई ने कांग्रेस और बीजेपी के सामने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें वायनाड, मावेलिकारा, त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम सीट शामिल है। वहीं अब सीपीआई ने दावा किया है कि इन 4 सीटों में से पार्टी 3 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, जबकि वायनाड सीट पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही सीपीआई ने अपनी रिपोर्ट में तीनों सीटों की एनालिसिस करते हुए बताया है कि लेफ्ट उम्मीदवार पन्नियन रविंद्रन मजबूत स्थिति में है और वो कांग्रेस के शशि थरूर और बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ जीत दर्ज करेंगे। इसके साथ ही त्रिशूर के लिए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कांग्रेस, सीपीआई और बीजेपी के बीच बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन पार्टी उम्मीदवार सुनील कुमार भारी अंतर से जीत हासिल करेंगे। वहीं आपको बताते चलें कि फिलहाल शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं, वे 2009 से इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन सीपीआई की हालिया रिपोर्ट में उनकी हार का दावा किया गया है, जिसके कारण पार्टी को काफी टेंशन हो सकती है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले परिणामों में इन सीट पर क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।